इन केस यू आर ड्राइविंग प्लीज़ मेक श्योर सीट बेल्ट पहन लें, फिर ना कहना खबर नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद से वैसे ही आप लोगों के लिए कंपलसरी कर दिया जाएगा। आई एम ट्राइंग टू फिक्स दिस फोन, व्हाट हैपेंड सीरियसली, ओके आई हैव फिक्स इट अप। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, वासिफ भाई, वासिफ बात कर रहा हूँ। वासिफ कैसे हैं आप? आपकी कॉल मिल जाती है अब, यू आर अ रेगुलर कॉलर फ्रॉम नाउ ऑन, है ना? हैट्रिक हो गई आपकी। आप हो आप सुपरस्टिशियस? बिल्कुल नहीं, था पहले लेकिन मैंने इस कमजोरी पे काबू पाया। था पहले कि थी पहले? लोग कहते हैं, मैं क्या करूं, पागल है लोग। हाँ? पागल है लोग। अच्छा ठीक है ठीक है, क्या कहना चाहोगे? ये कहना चाहूंगा, पहले तो बस भाई आपसे एक पहले बात पूछना चाहूंगा, आप क्वेश्चन छोटा सा अगर आप इजाजत दें तो। हाँ हाँ बिल्कुल। बासिल भाई, हमारा असली दुश्मन क्या है, कौन सा इंसान का? वही। कौन वही? शीशा देखो जी। अच्छा, इब्लीस शैतान। वो तो है ही है, मगर मैं नफ्सियाती हवाले से। नफ्सियाती हवाले से हमारा जो असली दुश्मन है, मैं समझता हूँ वो इंसान की ईगो होती है। ईगो भी है लेकिन खौफ इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। खौफ, ठीक है, खौफ। ठीक है, ठीक और है। हमारा खौफ जो है वो हमें वहम उस एंग्जाइटी जन्म लेती है। ठीक है, एंग्जाइटी यानी बेचैनी, और बेचैनी से वहम जन्म लेता है। तो हम परस्त होना, तो हम लोग अपनी एंग्जाइटी को, वहम को जो है, वहम के लिबादे में अपने खौफ को छुपाते हैं। ठीक है, ठीक है, मेन मतलब यही है, लेकिन इस पर काबू पाया जा सकता है, ये बहुत आसान है। सीरियसली? ऑफ कोर्स। कैसे? आप इसकी नफी कीजिए। हाँ बिल्कुल, ठीक है ठीक है ठीक है। एक दफा करेंगे, दूसरी दफा करेंगे, तीसरी दफा करेंगे, चौथी दफा में हो सकता है आपको बिल्कुल वैसा ही हो जैसे कि आप चाहते हैं, यानी कि इफेक्ट नेगेटिव आए। ठीक है, आप नहीं बिलीव करते इन चीजों? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, थैंक यू। हमारा मजहब ही मना करता है। मजहब मना करता है, इस बारे में मजीद आगे बात करूंगा। आप लोग आगे पीछे आपके जो इर्द गिर्द रहते हैं वो लोग करते हैं सुपरस्टिशियस हैं? बहुत बहुत, जिससे अभी कुछ कॉलर्स ने पहले भी बात की है कि रात को झाड़ू नहीं लगाओ, काला रंग का रिबन नहीं बांधो, ये नहीं करो, काले कपड़े ना पहनो, ये भी लोग कहते हैं, रेड शर्ट ना पहनो। ऑफकोर्स ये अच्छी हो गई बातें, बहुत इंसानी अक्ल से इनका दूर परे का भी वास्ता नहीं। अच्छा, हमारे बुजुर्ग क्यों ये बातें करते इतनी ज्यादा? बिकॉज क्योंकि पार्टीशन टाइम से पहले होती थी ये बातें, दुनिया में बहुत जगह पे ये बातें होती हैं। ये बेसिकली हिंदुइज्म में ये बातें ज्यादा हैं, सुपर वो बहुत सुपरस्टिशियस हैं वो लोग, तो वो बातें हमें ट्रेवल करके आई हैं। नहीं तो इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं है, एक रब है, उससे जो है वो हमने दुआ मांगनी है और शैतान मदूद से हमने पनाह मांगनी है। और बासिल भाई, जाने से पहले सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि मिस्र के पास खुदा का वास्ता नहीं जाए, ये खुद भटके हुए लोग हैं, आपको रास्ता क्या दिखाएंगे। वाह, बड़ी प्यारी बात की। वो मेरे तो एक जानने वाले हैं, वो कहते हैं खुद तो चपरासी नहीं बन सके, लोगों के लिए क्या करेंगे। हे जो हाथ वाथ देखते हैं, चलो थैंक यू, आपने कॉल किया, टेक केयर, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमेशा एक बात आप सब ने रखनी अपने साथ, क्योंकि हमने अपने पाकिस्तान को हमेशा जिंदा रखना है, और उसके लिए हमने जो है एक्सप्रेस भी करना है उसको। जो लोग कहते हैं जी पाकिस्तान खुदा न खास्ता कुछ भी ऐसे हो, तो हमें लोग दुनिया को पता चलना चाहिए हाउ मच वी लव आवर पाकिस्तान, कोई मैली आंख से देखने की हमें जरूरत भी ना करें। लेट्स चेक हु इज विद अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कौन है? राशिद भाई, मैं जिशान बात कर रहा हूँ। जिशान, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जिशान, आप तोहे प्रस्त है जी, आप सुपरस्टिशियस है? असल में राशिद भाई देखिए, ये चीजें मानने को तो है, मगर हमारे कुछ माशरे में बहुत से लोग है जो बिलीव करते हैं। ठीक है ठीक है। हेलो जी, आपकी आवाज थोड़ी ऊंचा बात कीजिएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसे लोग माशरे में बहुत हैं जो इससे बिलीव करते हैं, तो जैसे ये आपके अभी जो लास्ट कलर थे वासिफ, मैंने बताया कि ये रात को कहते हैं कि मतलब झाड़ू मत लगाइए और ये काले कपड़े मत पहनिए। रात को झाड़ू लगाने से क्या हो जाए, लाइक आप क्या समझते हैं, अगर आपको कोई बताया जी आप रात को झाड़ू ना लगाएं तो इससे क्या हो जाएगा अगर आप रात को झाड़ू लगा देंगे? ये उनकी अपनी एक सोच होती है, क्योंकि ऐसी बात तो ना शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हो, या तो उन्होंने की हो ना, नहीं। या फिर कुरान पाक में कहीं आया हो इस तरह की बात, तो ये ख्वामखा की एक बात बना ली, नहीं जी झाड़ू नहीं लगाना रात को। ये देखिए, ये सबसे मतलब ये एक तो होती है ना, जैसे जो जाहिल से लोग होते हैं वो अपनी ऐसी करते हैं, मैं इन चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। हाँ अलबत्त मेरी अम्मी जो है वो बहुत इन चीज़ों पर मतलब करती हैं, कि फिर भी हम उनको कहते हैं कि अम्मी कुछ नहीं होता, तो फिर कहती हैं कि अच्छा आपको जिस बात से मना कर दिया गया वो नहीं करें तो ठीक है, अच्छा फिर हम फिर बड़ों की बात मान लेते हैं। काफ़ी ऐसे बुजुर्ग भी हैं जो हमारे मतलब
अपनी फैमिली में भी बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं कि मतलब नहीं करो, और बाज जो हैं वो बिलीव करते हैं और बाज नहीं बिलीव करते हैं। ठीक है, तो हमें ये करना चाहिए कि जो मतलब बड़े कहते हैं उनकी सुन लेनी चाहिए बस। वैसे तो कुछ होता तो नहीं है इन चीज़ों से, मैं तो नहीं बिलीव करता। अच्छा, आप कहते हैं कि सुन लेनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। नहीं, अच्छा आप कहते हैं सुन लेनी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए? बड़ों की सुन लेनी चाहिए जी। चाहे बड़े कह रहे हो कि जी रात को जो है वो झाड़ू ना लगाओ। देखिए, रात को झाड़ू ना लगाओ, सुबह तो लगा सकते हैं ना। नहीं, सुबह तो लगा, अगर रात को गंद पड़ा हुआ है या अगर किसी का दिल कह रहा है झाड़ू लगाने का, तो वो झाड़ू ना लगाए। अगर गंद पड़ा हुआ है सुबह लगाए, लगाए लाजमी लगाए, क्यों ना लगाए। तो वो अगर मना करते नहीं जी नहीं लगाना, फिर उसकी 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 पता है आजकल शायद वजह ये है, उसकी कोई लॉजिक होनी चाहिए ना। लॉजिक क्या है उसकी, क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि देखो साइंटिफिक दौर है ना, वक्त गुजर गए वो वाले। एक टाइम होता था दादी ने कह दिया नहीं जी नहीं करना तो नहीं करना। आज बच्चा पूछता है यार वजह, टाइम चेंज हो गया ना। अब लोगों में क्यूरोसिटी है, लोग जो है टेलीविजन देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, अखबारात पढ़ते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं। अब अवेयरनेस हो गई ना, पहले तो सुनी सुनाई बातें होती थी, नानी दादी ने बता दिया नहीं जी ये नहीं करना, बस कहते थे। अच्छा, तो बहुत ही सुनाई बातें थी, मगर देखें अदब अपनी जगह, आपने अदब नहीं छोड़ना, अदब नहीं छोड़ना, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी कोई लॉजिक नहीं है जी जी। और उनमें से एक तोहम परस्ती है, क्योंकि ये हिंदुइज्म में होता है इस तरह। बिल्कुल, यू आर राइट, बिल्कुल हिंदुइज्म में होता है ये। क्योंकि देखिए आजकल तो जैसे हर घर में स्टार प्लस का दौर है, ठीक है, वो अपना मतलब करवाना चाहते हैं, उधर वो बताते हैं अब शुगन हो गया है इस तरह। बिल्कुल, हमारे घर में हमारी मतलब आजकल के जो फैमिलीज हैं, हमारे माशरा है, उसमें ऐसी रस्म रवाज तौर तरीके हैं, उसमें ये पा गए हैं, रवाज पा गए हैं। तो इसलिए हमें इसे मतलब देखिए असल में उनका हिंदुइज्म का यही कंसेप्ट है कि वो मतलब अपनी जो करते हैं, जैसे आपने बोला कि अपशगुन होता है, ये होता है। मैंने नहीं बोला, यानी मैंने बताया लोग करते हैं इसे। नहीं, लोग करते हैं, आपने बताया कि हिंदू तो करते हैं। हिंदू करते, ये बेसिकली हिंदू करते हैं ना, अपशगुन हो गया, ये हो गया, वो हमने कब से शुरू कर दिया यार ये। और हमने बच्चों क्यों तंग करते हैं ख्वाम खां के अंदर, मकसद तो ये है ना। सही बात है, आप तो ठीक कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि जो भी अभी कोई बड़ा सुन रहा है यहाँ पे, कोई भी मतलब कोई जिसकी अम्मी वगैरह सुन रही है या कोई दादी नानी वगैरह, बच्चों को ना तंग किया करें, बच्चों को प्लीज बिल्कुल इस तरह ना किया करें। पता है क्या, जब वो बड़े होते हैं तो फिर वो इसी से अपनी जब उनके आगे जनरेशन होती है तो फिर अपने उनको यही कहते हैं कि मतलब आप इस तरह नहीं करो, यू नहीं करो, दैट इज नो गुड थिंग। तो ये मैं कहता हूँ कि बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। जी, मैंने आपके शो में फर्स्ट टाइम कॉल किया है। वेलकम वेलकम वेलकम, थैंक यू। और मेरा एक सॉन्ग वैसे डेडिकेट करेंगे यार, आज मैं प्ले नहीं कर रहा हूँ। अच्छा बता दो, हो सकता है कि मेरी क्यू लिस्ट में हो, क्योंकि क्यू लिस्ट में बना लेता हूँ पहले से ना। आतिफ असलम का कोई भी प्ले कर दे। चलो आतिफ असलम का एक गाना प्ले करना है, मैं जरूर प्ले करूंगा। ठीक है, थैंक यू, आपने कॉल किया मेरे प्रोग्राम में। आप मिलकर कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑलराइट, ये हमारे साथ मौजूद थे एक भाई जिन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। ज्यादा परफ्यूम नहीं लगाना, जिन विल फॉल इन लव विद यू। आंखें बंद कर लो तो ऐसे होता है क्या? और ये सारी बात, अच्छा आंखें बंद कर लो तो और करीब आती है, जिन 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 याद आ जाता है। ओके, हमें टेक्स्ट करें, इट्स 5 मिनट्स टू वन, 5 मिनट बाद जो है 1 बज जाएगा, उसके बाद 1 घंटे बाद 2 बज जाएंगे, और क्या कुछ होगा उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको आज। इसके अलावा if I'm just wondering, no, I do have this song, yes I do have this song. Okay, what are we gonna do, we'll be playing you another song, and this time I'll be playing you something, Barish ka mausam hua hai, Adnan Sami Khan is always there with some great Barish songs, and this one is definitely gonna rock all of you. This is a fantastic song from his new album, and it's in great demand, very favorite track of all of you, I would say, but request bhi aati hai. So I'm gonna put you all Adnan Sami Khan with Barish, and once we come back to hum baat karenge ki aap kitne superstitious hain, aapke text shamil karte hain aapki live calls. Happy listening, this is the Basit Subhani Show Sunday night special, dance to this beat. Fantastic song.